हाय फ्रेंड्स, दिस इज महेश हियर एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से आज मार्केट में क्या हुआ, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए था और ये एनालिसिस करेंगे। एट द सेम टाइम कल किस तरह से ट्रेड कर सकते, कल एक्सपायरी है क्योंकि आज मार्केट में बहुत कुछ खास नहीं हुआ, तो कल हम लोगों को कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट रहेगी, बाइंग कर सकते या फिर सेलिंग कर सकते, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। देखो, हम लोग न्यूज़ को बहुत इंटरेक्ट नहीं करते कि न्यूज़ के साथ क्या हुआ है, बट हम लोग कुछ लेवल्स के आधार पर देखेंगे कि एनालिसिस क्या होगा। एट द सेम टाइम मुझे बहुत सारे मैसेज आए फ्रेंड्स कि आज के डेट में कुछ लोगों का मतलब स्टॉप लॉस हिट हुआ, उनको कुछ मार्केट समझ में नहीं आएगा, तो आई विल गिव द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि आज के ट्रेडिंग सेशन को किस तरह से हम लोगों ने करना चाहिए था। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप नए होंगे, अगर पहली बार वीडियो देख रहे होंगे, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एट द सेम टाइम अगर आपने ये बेल बटन प्रेस करके ऑल सिलेक्ट नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन भी नहीं मिलेगा जो हमारे एनालिस्ट के वीडियोस रहते हैं डेली वाले। तो फ्रेंड्स, आपने कल देखा होगा, सबसे पहले थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हम अभी तक जो मार्केट में हुआ आज के डेट में वो थोड़ा एनालिसिस कर लेते, उसके वजह से हम लोगों को समझ में आएगा कि आगे हम लोग वो गलती दोबारा रिपीट ना करें। अभी देखो क्या हुआ है, कल मैंने मतलब हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था, उसमें हम लोगों ने एनालिसिस किया। अब उस आधार पे अगर हम लोग सीधा निफ्टी और में चलते हैं तो दिस वाज द लेवल जो मैंने आपको लेवल दी थी, एंड आई वाज एक्सप्लेनिंग कि अगर मार्केट इसके बीच में रहा, राइट, तो मैं आपको ये भी एक्सप्लेन भी कर रहा था जस्ट मिनट कि अगर मार्केट इसके बीच में रहा तो शायद मार्केट ऐसा कुछ कर सकता है, राइट, ऐसा कुछ हो सकता है। तो उस हिसाब से अगर मार्केट इसके बीच में रहेगा तो हमें एक चीज़ हम लोग कर सकते हैं, हम लोग स्ट्रैंगल बेच सकते हैं। देखो, मार्केट यहाँ ओपनिंग हुई सेंटर में एग्जैक्टली। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले अगर मार्केट नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस होगा, राइट, नीचे आएगा तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अब बहुत बार क्या हो जाता है ना कि हम लोग जैसे इनिशियली कैंडल बन जाती है, अब यहाँ पे क्या हुआ ना कि एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ रेड कलर का और यहाँ पे क्लोजिंग हुई, तो यहाँ तक तो मुझे लगता है किसी ने ट्रेड नहीं किया होगा, लेकिन ये जो रेड कैंडल बनी ना सेकंड, ये फिर से बड़ा ट्रैप। मैं आप तक अभी अगर मेरे वीडियो आप लोग देखते होंगे तो आपको क्लियरली पता होगा, मैं हमेशा बोलता हूँ कि देयर इज़ अ ट्रैप, एक्चुअली आपको ये देखना चाहिए। अब ये कहाँ से समझ में आएगा कि ये ट्रैप है या फिर कब ट्रेड करना चाहिए था, देखो सिंपल सा लॉजिक है यहाँ ट्रेड करने का। मैं ऑलरेडी मार्केट में बता चुका हूँ, डाउ जोन में जब मार्केट लाइव मार्केट चल रहा था तब भी मैंने आपको बताया, एक स्पेशल वीडियो भी बनाया आपके लिए कि हाउ टू ट्रेड, या ये वीडियो आप फिर से अगर समझ में नहीं आया तो फिर से एक बार जाके देखो हाउ टू फाइंड द बेस्ट एंट्री। तो कभी भी ट्रेड सही या गलत तब होता है जब आप गलत एंट्री करते हो। अब हम लोग हैं ना, इसको थोड़ा सा मार्केट को नीचे, मतलब मैंने कल ये एक्सप्लेन भी किया कि अगर शॉर्ट साइड जाना है तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। अब क्या देखना पड़ेगा, देखो मैंने आपको ये कहा था कि अगर मार्केट नीचे आता है, चलो ये हम लोग एक काम करते हैं कि हमारे पास ये आज का दिन नहीं है, ठीक है, हमें नहीं पता क्या होने वाला है। अब ये सिर्फ इस जगह को देखते कि ये पहले का मार्केट है, तो आप ये मैंने लेवल्स आपको बताई थी 15,701 के आसपास, राइट, तो आप ये क्लियरली देखोगे मार्केट ने यहां से ये, यहां पे मैं आपको मार्किंग करके बता दूं, जब मार्केट नीचे आया तो यहां पे भी यही पैटर्न बनाया, उसके बाद में मार्केट ऊपर चला गया, दिख रहा है क्लियरली आपको, क्लियरली शो हो रहा होगा, कलर चेंज कर देते हैं मतलब क्लैरिटी रहेगी उसमें। देखो मार्केट नीचे आया, यहां पे फिर से वो पैटर्न बनाया, इसके अंदर ही रहा और ऊपर चला गया, क्लियर है। दूसरी बार आप देखोगे तो यहाँ पे भी फॉर्मेशन बना था, मैंने आपको क्यों बनाया, क्यों पुट साइड ट्रेड नहीं जाना था वो भी सब कुछ एक्सप्लेन किया, राइट, अब फिर से मार्केट ऊपर चला गया। अब दो तीन बार ऑलरेडी यहाँ पे बाइंग हो चुकी है, फिर यहाँ पे आया फिर ऊपर गया। अब ये तो क्लियरली है, ठीक है, कि मार्केट में ये शायद सपोर्ट अभी वीक हो जाएगा अगर कंटिन्यू हिट हो रहा है तो, सबको पता ही है। आप मुझे बताओ कि अगर मार्केट बार बार एक सपोर्ट को हिट करता है तो वो वीक होता है या स्ट्रांग होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, ऐसे ही आगे और क्वेश्चन भी लेंगे जिससे हमारी ट्रेडिंग क्लियर होते जाएगी, ठीक है। तो एक चीज है कि यहां पे अगर मुझे ट्रेड करना है तो मार्केट अगर नीचे आएगा तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल नहीं होगी, ठीक है, पहले का दिन छोड़ दो, इतना ही कंसिडर करते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल नहीं बनेगी, यहाँ पे एक लेवल नहीं बनानी चाहिए, पहले तो ये बनेगी, लेकिन हम लोगों को ये भी मिस नहीं करना चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद में 15,668 भी था, लेकिन ये तो जोन आपको क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ था, यहाँ पे एक ये भी लो निकाल लेते ना, अभी ये जोन बन जाएगा, ठीक है, दिस इज प्रॉपर जोन, दिस इज अगेन जोन, और यहाँ पे भी एक जोन है जहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके यहाँ पे, कल के मैंने ये भी बोला था कि इसके नीचे आना चाहिए। मैं आप क्लियरली जाके देखो, अगर आप लोग एनालिसिस का वीडियो नहीं देखा होगा तो क्लियरली मैंने कहा हुआ है। अब अभी ये लेवल्स आपके पास में है तो ऑब्वियसली है
मैं जब सेल करूंगा ना तो मैं देखूंगा कि इसके नीचे अगर मार्केट जाके, अब एंट्री कहाँ होगी, ये लेवल को एक तो आप सेल आउट करते समय ट्रेड कर सकते हो, या मार्केट नीचे चला जाए, हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि शायद ये होगा तो मार्केट यहाँ पे आए, फिर ऊपर जाए और फिर जब नीचे आएगा तो हमारे पास एक तो प्रॉपर एक पहले एंट्री ये हो सकती है, दूसरी एंट्री हमारी ये स्टॉप पे हो सकती है, ये जोन में कहीं तो भी रिटेस्ट लेके जब रेड कैंडल बनने लगे, ऐसा ही आग बंद करके हमें कहीं भी सेलिंग नहीं करनी है, वो चीज़ समझनी होगी राइट। अगर वो रेड कैंडल यहाँ बना देती है और फिर इस लो के नीचे हम लोग सेल करते थे वो एक चीज़ होती थी, या फिर तीसरी चीज़ जब ये लो ब्रेक होता था यहाँ पे एंट्री। अब देखो यहाँ पे होगा क्या वो चीज़ समझो, अगर मेरी एंट्री यहाँ पे रहती थी तो ये मेरा टारगेट होता था पहला, शायद और नीचे चला जाए T2, तो ये टारगेट्स होते थे और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ रहता था, ये जो कैंडल यहाँ पे बनने वाली थी ठीक है जिस प्रकार की, तो ये जो कैंडल का स्टॉप लॉस है तो ये इतनी रिस्क रहती थी, या फिर ये येलो लाइन भी पकड़ते हो इतना, ये अगर आपका स्टॉप लॉस होता तो आपका रिस्क रिवॉर्ड देखो सॉरी आपका रिवॉर्ड देखो बड़ा ही है, लेकिन ये ट्रेड कंफर्मेशन वाला ट्रेड होता है राइट। तो आप समझो कि शायद यहाँ पे एक बहुत छोटी सी कैंडल बन जाती जहाँ पे आपको एंट्री मिलती, तो अगर इवन आप यहाँ पे भी ट्रेड करते तो रिस्क आपकी छोटी होती, रिवॉर्ड बड़ा होता है राइट। और सेल कर रहे हो तो फिर यहाँ तक भी रुक सकते हो, यहाँ भी टाइम पास होगा तो प्रॉफिट बनेगा, लेकिन हम लोगों में अगर पेशेंस नहीं रखे, डिसिप्लिन थोड़ा सा, ये मैंने क्लियरली बताया था, तो यहाँ पे भी आप पुट बाय करोगे तो यार ये ऊपर जाने के बाद तो लॉस होने ही वाला है राइट। अब यहाँ पे और एक ट्रेड बनता कहाँ पे था, जिसने नहीं किया, जिन्होंने किया वो लोग ध्यान में रखो, ये मैं हर वीडियो में शायद ऐसा हो रहा है मार्केट में, अब मतलब हर एक दिन ऐसी ही चीज़ चल रही है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, अब मार्केट में यहाँ सपोर्ट लिया है ठीक है, यहाँ पे मैं इतना मार्केट में पॉजिटिव नहीं था एक्चुअली, आप जाके क्लियरली देखोगे ना, जब मार्केट की ओपनिंग का मुझे एक आइडिया आ चुका था ठीक है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके देखो, टेलीग्राम चैनल पे मॉर्निंग में ही कितना 823, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग एंड आई वॉज आउट ऑफ स्टेशन, तो मैंने आपको सीधा सीधा अगर आप मैसेज देखोगे तो क्लियरली मैंने कहा है, टाइम लगेगा लेकिन चीज़ें समझो फ्रेंड, ध्यान से सुनो मेरी बातें ठीक है, मैंने यहाँ पे क्लियर कहा था कि मुझे शायद आज मार्केट में फर्स्ट सेशन में टाइम नहीं मिलेगा, हालांकि सेकंड सेशन भी चला गया क्योंकि आज इसीलिए वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रहा है आपके लिए ठीक है। अभी आप टाइम देखोगे तो देख लो ऑलमोस्ट 8:14 हो चुके हैं, क्योंकि मुझे मतलब इतना ट्रैवल करने के बाद आके लेट हुआ, बट फिर भी आपके लिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब देखो मैं ये शायद, अब मुझे सिस्टम के साथ एसेस नहीं मिलने वाला था, डेटा चेक नहीं कर सकता था, मोबाइल पे मैं क्या क्या देखूँ, अगर कुछ फ्रूटफुट मिलता है तो मैं आपको ज़रूर अपडेट करूँगा, लेकिन जैसे ही मुझे आइडिया आ गई थी कि मार्केट की ओपनिंग क्या, देखो मैंने क्लियरली लिखा है मे बी साइडवेज ओपनिंग, मार्केट साइडवेज ओपन होने वाला है अपने दो लेवल के बीच में, एंड पॉसिबल दैट मार्केट में स्टे फ्लैट फॉर द ग्रेट टाइम, मतलब एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए मार्केट बीच में रहेगा, ऊपर नीचे करेगा, सिर्फ एक आधी न्यूज आएगी मार्केट में तभी कोई ट्रेड हो सकता है या मूवमेंट हो सकती है, तो हमारे लेवल से उसके बाहर चला जाता है या फिर ऊपर नीचे आता है तभी हम लोग स्ट्रैंगल को निकालेंगे, तो विल क्रिएट द स्ट्रैंगल इफ आई फाउंड दैट मार्केट मे गो साइडवेज, सिंपल सा लॉजिक था। यहाँ पे देखो ये कैंडल बनी, यहाँ पे ग्रीन कैंडल यहाँ पे बनाई, अब हालांकि मैं सिस्टम जो लेवल जो मार्क करता हूँ वो मेरे पास मेरे सिस्टम में होते, मैंने लेकिन मुझे ये हमेशा याद होता है कि नीचे की तरफ है, जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया सपोर्ट लिया, आप देखो नीचे आया ऊपर गया नीचे गया, अब फिर से रेट बना रहा था कहीं ना कहीं, जहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा था जहाँ पे क्लोजिंग थी वहाँ पे ओपन हुआ, और इस समय तक मार्केट यहीं पे था 10:30 थे, उसके बाद में देखो ये टाइम कितना है 1 PM पे भी मार्केट उसी जगह पे था। आप मुझे सही में बताओ, अगर आप 15,900 का कॉल बेचते ऊपर के और नीचे का 15,500 का पुट बेचते, जो भी डेल्टा न्यूट्रल करके, डेल्टा न्यूट्रल की स्ट्रेटेजी भी यूट्यूब पे ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप जाके देख लो वेयर वी कैन फाइंड आउट द डेल्टा, यहाँ पे सर्च करोगे ना चैनल पे इतने सारे वीडियो बनाए हुए आप लोगों के लिए ऑप्शन से रिलेटेड, आप देखोगे तो वो चीज़ें समझ में आएगी। तो डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी आप क्रिएट कर सकते हो, उसको मैनेज, स्ट्रैंगल का भी एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है इंट्राडे में स्ट्रैंगल को कैसे मैनेज किया जाता है, एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल, मैं आपकी इसको लिंक बना के भी इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे देने की कोशिश करूंगा और टेलीग्राम पे अपडेट करूंगा, अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया होगा तो कर लो। अब ये सिंपल सा मैसेज भी आप फॉलो करते ना तो थोड़ा सा मतलब देखते कि मार्केट में ये चीज़ें हो सकती है, कुछ नहीं हुआ है यार, 1 बजे तक मार्केट में वही हुआ, और इसी तरह से अगर आप ट्रेड करते तो मार्केट में अच्छे से प्रॉफिट भी बन जाता, कोई बड़ी बात तो थी नहीं, तो इतनी सी चीज़ थी। अगर आप देखो भी, यहाँ मार्केट ओपन हुआ नीचे आया ऊपर गया नीचे आया ऊपर गया,
फिर नीचे आया। अब यहां तक ऑलमोस्ट आप देखो क्लोजिंग टाइम तक मार्केट में कुछ नहीं हुआ। अगर ऊपर का कॉल नीचे का पुट बेचते तो प्रॉफिट नहीं होता था, दूर दूर का बेचो यार, क्यों जल्दी का पास का बेचना है। हाँ, किसी के पास अगर कैपिटल नहीं है, मुझे एक बंदे का मैसेज आया, सर मुझे स्ट्रैंगल बनाने के लिए मेरे पास प्रॉफिट मतलब कैपिटल नहीं है इतना, तो एक काम करो, यहाँ का 15,900 का कॉल बेचना है तो जाके 16,100 का 16,200 का कॉल पहले बाय कर लो, नीचे 15,500 का पुट बेचना है तो पहले 15,300 का पुट बाय करो, ये ऊपर का कॉल नीचे का पुट बाय कर लो फार ओटीएम, उसके बाद में ये सेल करो, आपका ट्रेड आएगा यार 50,000 में, 50-60,000 मतलब एक स्प्रेड बनाओगे ना कॉल और ये आएगा 30-35-40,000 के अंदर, तुम टोटल ट्रेड बनाओगे तो 50-60,000 के अंदर हो जाएगा। अच्छा वो भी कैपिटल नहीं है तो देख लो। अब मार्केट में ऐसी कंडीशन हमेशा नहीं बनती है कि ट्रेंडिंग मार्केट ही रहे, कभी ना कभी मार्केट साइडवेज रहेगा, तो वी हैव टू चेंज अवर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंग टू द प्लान, मतलब जो भी होगा मार्केट का प्लान दिख रहा है डायरेक्शन उस हिसाब से करेंगे। सीधा सीधा मैंने डायरेक्शन दे दी थी वही मार्केट में हो रहा था, पैसा बनता है राइट अगर आप उसे फॉलो करते। अच्छा चलो डायरेक्शनल की बात करते, मार्केट नीचे आया, अगर मार्केट को नीचे जाना चाहिए था तो ये ग्रीन कैंडल बना के फिर से नीचे आ जानी चाहिए। अगर ये कल का लो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, ब्रेकडाउन होने के बाद ऊपर कैंडल नहीं मतलब ऊपर कैंडल की तरफ जा रही, आप यहाँ पे भी देखो क्या हुआ, नीचे आया लो ब्रेकडाउन क्या है, यहाँ रुका और सीधा ऊपर चले गया, फिर नीचे आके क्लोज हुआ, सेम पैटर्न बना हुआ है। कल का जो डे है ना आज के डे में कोई फर्क नहीं है, आप जाके चेक करो, मार्केट ओपन हुआ राइट, ओपन होने के बाद नीचे आया, फिर से पुट साइड में लोगों को बाय करवाया, ऊपर गया फिर से नीचे आया, अब देखो यहाँ पे एक कैंडल बन गई। अब देखो यहाँ पे होगा क्या, कैसे ट्रेड कर सकते हैं, यहाँ तक आपका डेटा तो मैं आज के दिन में नहीं देख पाया, आई एम क्लियरली सेइंग, क्योंकि मैं डेटा ही नहीं देख रहा था, मोबाइल पे क्या देखूँ, मेरे से नहीं होता देखना और पॉसिबल भी नहीं है, तो सिस्टम नहीं थी तो देख नहीं पा रहा था, लेकिन यहाँ तक डेटा ने आपको बताया होगा कि पॉजिटिविटी है, और यहाँ पे मुझे एक मैम ने मैसेज भी किया था कि देयर इज अ पॉजिटिविटी दिख रही है मार्केट में थोड़ी सी, तो अगर यहाँ पे आप एंट्री करते ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते और इस जगह का एसएल लगाते थे या इस जगह का एसएल लगा देते, अब इतना बड़ा एसएल बहुत बड़ा एसएल हो जाएगा ये वाला, तो भैया पुट सेल करो राइट, पुट सेल करो, पुट सेल करके डायरेक्शनल ट्रेड करना है तो यहाँ से यहाँ तक भी चले जाते तो आपका आराम से प्रॉफिट बनता। मैं बता रहा हूँ ये रेड कैंडल भी जब बनी ना यहाँ तक भी आते तो यहाँ भी आपका लॉस नहीं हो सकता है अगर आप सेल करके चलते। इतने ही समय पे वेनसडे था, बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला क्योंकि ये जो रेंज है 15,720 से 775 50 पॉइंट के मूवमेंट में आपको 15 पॉइंट या 10 पॉइंट निफ्टी में लेना, दैट इज़ वेरी सिंपल थिंग ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को मार्केट में ट्रेड करते हैं तो कोई भी मुश्किल हम लोगों को जनरली नहीं होती है ठीक है। ऑलमोस्ट अभी ये जो मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ इसमें ऑलरेडी 12 मिनट्स हो चुके हैं, बट ये सीखना बहुत ज़रूरी है, जब तक आप ये फॉलो नहीं करोगे ना तो मार्केट में पैसा नहीं बनेगा। अभी देखो यहाँ पे सेलिंग का क्या हुआ ना, पहले मार्केट यहाँ पे एक क्लोजिंग देखो कहाँ पे, ओपनिंग कहाँ है, यहाँ है, ये जो जोन है इसको जोन को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं ना ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, देखते किस तरह से बनता है, एक सिंपल सा प्राइस एक्शन बना। अब प्राइस एक्शन की अगर देखेंगे हम लोग इसकी जो ग्रीन लाइन से मार्क कर लेते हैं या फिर अलग कलर ले लेते हैं और इसका वन पॉइंट ले लेते हैं ठीक है। ये पहला पॉइंट आएगा, इसका हाई वो लिया ठीक है, उसके बाद में हम ये जो क्लोजिंग है ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे एक जोन क्रिएशन हुआ है, आपको क्लियरली देखेगा ये मार्केट का ये जो है ना अनस्टेबल जोन, मार्केट नीचे आया ऊपर गया यही से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया यही से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया। तो इस तरह से मार्केट में हम लोग स्ट्रैंगल बैठे हैं ना तो प्लान कर सकते हैं। मैं ये नहीं बोलता कि यहाँ से सेल करो ठीक है, अगर ये यहाँ पे जाता और पैटर्न बनता तो हम बहुत अच्छे सेल करते। बैंक निफ्टी में बना, बैंक निफ्टी में ऊपर के लेवल पे गया, यहाँ पे हमें शॉर्ट की कंडीशन मिली और मार्केट बैंक निफ्टी नीचे की तरफ आया, बहुत नीचे नहीं आया लेकिन कॉल सेल करते तो अच्छा प्रॉफिट बनता आखिरी में। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में अच्छा ट्रेड मिला ऊपर के लेवल पे, लेकिन ये बीच में से आ गया तो यहाँ पे ऑब्वियसली लाइव मार्केट में इतनी चीज़ें हम लोगों को समझ में नहीं आती है ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आप लोग यहाँ तो पुट सेल कर सकते थे इस कंडीशन पे, सीधा है ऊपर गया रिटेस्ट मारा, छोटा सा रिस्क है लेके रखो प्रॉफिट मिल जाता था, या स्ट्रैंगल बना के चलते थे, यहाँ पे आया ये रेजिस्टेंस जोन है ऑब्वियसली ये दिन का आज, तो यहाँ पे गया रेड कैंडल बना रहा है यहाँ पे रुक रहा है तो ऊपर का कॉल भी सेल कर दो,
वो पुट भी प्रॉफिट में आता, कॉल भी प्रॉफिट में आता, तो इस तरह से अगर ट्रेड करते तो शायद कोई दिक्कत हमें यहाँ पे नहीं होती थी। दिस वॉज अ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन अबाउट द टूडेज कि हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते थे, क्या कर सकते थे। ऑलरेडी 15 मिनट्स हो चुके हैं, अब जो आगे का एनालिसिस है फिर कल हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से वीडियो बना दूँ, क्योंकि बहुत लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। तो ये खासकर एक्सप्लेनेशन आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ठीक है। आगे की कौन सी लेवल होगी, कैसे किस तरह से प्लान कर सकते हैं, ये नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। अब आपको दो डिवीजन में करेंगे, दो पार्ट में, यहाँ पे दोनों चीज़ें अलग होंगी, पोस्ट मार्केट एनालिसिस एंड दैट विल बी द नेक्स्ट प्लान फॉर द एक्सपायरी। सो फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो एंड हिट द लाइक बटन। आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड 100% लाइक भी कर दीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें जो मैं सिखाता हूँ वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है और आपको बहुत कुछ यहाँ पे सीखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, अगर आप इंट्राडे मास्टर ट्रेडिंग प्रोग्राम को एनरोल करना चाहते हो तो बेसिकली दिस इज अवर ऐप ट्रेड मास्टर एजुटेक, आप डाउनलोड कर सकते हो। एंड्रॉयड ऐप है अगर आपके पास में, अगर एंड्रॉयड नहीं है, आईफोन नहीं है, तो मुझे मैसेज कीजिएगा। जो मोबाइल नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, सब नीचे दिया गया हुआ है, वहाँ से मुझे कॉन्टैक्ट करिएगा, मैं आपको बता दूँ कौन सा वे। आप डेस्कटॉप पे भी ये सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड एट द सेम टाइम फ्रेंड, देयर इज एक आपके लिए एक अच्छा न्यूज़ है, अगर आप 19 जून तक अगर एनरोल करते हो तो यू विल गेट द एक आपको कूपन मिलेगा, दैट विल बी मतलब आपको एक जो वर्कशॉप है, जैसे योगा डे आने वाला है 21 जून को, तो वर्कशॉप रखा हुआ है 21 जून को 5 बजे शाम को, तो इसका जो 500 रुपीज़ का ऑलमोस्ट है, तो यहाँ पे आपको उसके परचेसिंग पे इसका जो कूपन है वो फ्री में मिलेगा। तो ये ऑफर है 19 जून तक, 21 जून को ये चीज़ होने वाली है। एट द सेम टाइम ऑब्वियसली वी आर रनिंग सम वी आर गिविंग सम डिस्काउंट, तो यहाँ पे कुछ आपको इसके साथ में मैं आपको कुछ डिस्काउंट भी दे दूंगा, आपको कूपन्स वहाँ पे मिल जाएंगे, वो भी आपको दोनों ऑफर जो है 19 जून तक रहेंगे। जिसको लेना है, मैं पहले ही क्लियर बता दूँ, जिसको लर्निंग करनी है, जिसको मतलब बातें सुननी है, रूल मानना है, पेशेंस के साथ चीज़ें सीखनी, वही आए, अदरवाइज इट्स ओके, ठीक है। क्यों, आप खुद से भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, क्योंकि ट्रेडर खुद को बनना होता है, मैं नहीं बना सकता। आई कैन शो यू द वे बट यू हैव टू वॉक ऑन दैट, आपको आपकी साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ेगी। मैं ज़रूर मदद करूंगा, सारी चीज़ों में मेरा योगदान रहेगा। आप जितने भी लोग हैं उनको पता है, अगर वो मैसेज करते हैं तो मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ और मेरा सपोर्ट हमेशा आपको रहेगा, बट आपको चलना खुद होता है। अगर कोई बोलता है कि मैं आपको ट्रेडर बना दूँ, तो भैया वो जोक ऑफ द ईयर हो गया, जोक ऑफ द लाइफ हो गया, कोई नहीं बना सकता है। बट आई कैन ऐड द वैल्यू, जो आपकी लर्निंग जो कर्व है बहुत बड़ी रहेगी, टाइम उसको मैं रिड्यूस कर सकता हूँ, अगर आप वो लर्निंग अप्रोच लेके आते हो तो। सो फ्रेंड, स्टे ट्यून विद अस, हिट द लाइक बटन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग द वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।